हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए ओवरऑल हेल्थ के लिए, मतलब सफाई को लेकर हम बात करेंगे, कैसे आप साफ़ कर सकते हैं। ये काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ कि कन्फ्यूज़न होता है। अभी रिसेंटली भी एक व्यूअर ने पूछा हुआ था कि सर रूटीन बता दें कि कैसे साफ़ करें। कन्फ्यूज़न होता है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, गार्गल जो भी है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कब कब आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ईजी होगा अगर आप ओवरऑल हेल्थ के प्रति जागरूक है और अवेयर है, चाहते हैं कि ये सब आपको फॉलो करना है। तो मैं आपको लाइन वाइज बता दूंगा कि कैसे आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। और अगर इतना आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है डेंटल प्रॉब्लम आपको कभी हो ही ना, अगर इतना हम फॉलो कर लेते हैं तो। और बहुत टफ नहीं है, रूटीन में ला के हम फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए समझते हैं, मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए समझते हैं, हम रूटीन की बात कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने पूछा था तो स्टार्टिंग डे स्टार्ट होता है सुबह उठते हैं हम, वहाँ से लेकर नाइट तक कैसे मेंटेन रख सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमें करना होता है ब्रशिंग। जनरली आपको पता है कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉस अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो दांत को बीच से जो साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, थ्रेड जैसा होता है, तो वो करना चाहिए। गार्गल मैंने आपको बताया हुआ था, कुल्ले करने चाहिए और ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। पर कब क्या करना है कन्फ्यूज़न होता है। चलिए समझते हैं, स्टार्टिंग से जब आप सुबह उठे हैं तब से हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वार्म वाटर पीना है, गर्म पानी पीना है जितना आप पी सकते हैं, और धीरे धीरे इसको आपको बढ़ाना है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, बैठ के पिए वार्म वाटर, गर्म, हल्का गर्म पानी सुबह उठते से ही, जैसे आप उठते हैं तभी। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके टूथ के लिए भी, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, और ओवरऑल बॉडी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले आप ये करें, वार्म वाटर पिए। इसके बाद आपको, हम ओरल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो पूरा रूटीन में नहीं जाएंगे, तो ब्रशिंग आप जब भी करते हैं, फिर इसके बाद आप ब्रशिंग करें। ब्रश आपको आपका जो टूथपेस्ट है उससे, रेगुलर टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं कर सकते हैं, टूथपेस्ट में हम कभी फिर बात करेंगे। ब्रश आपका सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड ब्रश आपको नहीं करना है जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको ठंडा गर्म लगता है, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आपको यूज़ करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करना है। टेक्निक हमने पहले समझा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ब्रशिंग की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए ब्रशिंग हो गया। इसके बाद आपको ब्रशिंग करते समय ही, जब हो जाए, जब आप क्लीन कर रहे हैं, तो टंग क्लीन जरूर करना है और गम मसाज करना है। टंग क्लीन करने के लिए, जीभ को क्लीन करने के लिए आप टंग क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड यूज़ मत करिए, नॉर्मली आपको क्लीन करना है, या फिर जो आपका सॉफ्ट ब्रश है, जो ब्रिशल्स हैं, उससे ही आप जीभ को साफ कर सकते हैं। धीरे धीरे आप ब्रश चलाइए और फिर क्लीन कर सकते हैं। और साथ में ही जब साफ करते हैं तो गम मसाज आपको करनी है, राउंड राउंड मसाज करिए फिंगर से ही, नॉर्मल ऊपर वाले गम्स को नीचे और नीचे वाले गम्स को ऊपर। ये आपके रूटीन में होना चाहिए जब आप ब्रश कर रहे हैं। चलिए अब आगे, इसके बाद नॉर्मल आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जो भी चाय नाश्ता जो भी आप करते हैं वो आप कर लीजिए, और फिर नॉर्मल गार्गल करेंगे। और इस समय आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग का वीडियो भी हमने पहले देखा हुआ है। ऑयल आपको मुँह में लेना है और पूरा उसको, पूरे ओरल कैविटी में घुमाना है 10 से 15 मिनट, और फिर इसको स्पिट कर देना है, थूक देना है। कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, इसमें हम यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ऑयल पुलिंग के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते थे कि कब करें, तो ये समय ठीक रहेगा, ब्रेकफास्ट के बाद आप करें। तो इसके बाद आप काफ़ी समय तक कुछ खाएंगे नहीं, लंच तक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑयल पुलिंग करें, फिर जो भी आपके काम हैं, जो भी आप करते हैं। अब हम लंच में जाते हैं, तो लंच के बाद आपको क्या करना है, देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, गार्गल आफ्टर एवरी मील। जब भी आप दिन भर में आप कुछ भी खाएंगे, आपको गार्गल करना है, कुल्ले करना है। 2 बार पानी लेंगे, पूरे मुंह में अच्छे से घुमाइए, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। जब भी आप कुछ भी खाए पिए, ये आपको करना है नॉर्मल पानी से, ध्यान रखें। अब इसमें ही कुछ माउथ वॉश के लिए पूछते हैं कि माउथ वॉश कब यूज़ करें। तो ये जो दिन भर हम गार्गल कर रहे हैं, इनमें अगर आप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं रेगुलर माउथ वॉश, तो माउथ वॉश इसमें आप दिन में 2 से 3 बार या 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ब्रशिंग के बाद भी कर सकते हैं, नॉर्मल हम ब्रशिंग करते हैं उसके बाद भी जो माउथ वॉश है वो यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय हमने ब्रशिंग कर ली हुई है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम दिन में कभी
माउथवॉश करें तो जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो हमारी बने रहे मुंह में, बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो ना करें। अब लंच करने के बाद, जब भी आप लंच करते हैं, गार्गल का मैंने आपको बता दिया करना ही है। इसके बाद आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं, दिन में एक बार आपको फ्लॉसिंग करनी है, दांतों के बीच में साफ़ करना है, तो ये सही टाइम रहेगा। और अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट काम करते हुए भी आप फ्लॉस कर सकते हैं, तो दांतों के बीच में आप सफाई अच्छे से कर सकते हैं। या फिर हेक्टिक लगता है नहीं कर पाते हैं, तो ये रात को खाने के बाद आप कर सकते हैं, फ्लॉसिंग एक बार आपको ज़रूर करनी है। तो ये सारा रूटीन हो गया दिन का, जिसमें कि गार्गल आ गया। विशेष तौर से आपको गार्गल का ध्यान रखना है हर मील के बाद, छोटी मील भी अगर आप ले रहे तो गार्गल करना है। इसके बाद नाइट में आपको फिर से ब्रशिंग करनी है, जो 2 टाइम ब्रशिंग की हमने बात की थी, और ब्रश आपको खाने के बाद करना है, सोने से पहले करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर खाने के तुरंत बाद ना करें तो बेटर है कुल्ला कर लीजिए, जब आप बिल्कुल सोने वाले हैं उसके पहले आप ब्रश करें, क्योंकि उसके बाद आप कुछ खाएंगे नहीं। खाने के बाद अगर सोने में ज़्यादा टाइम है, खाने के बाद आपने ब्रश कर लिया, तो चांसेस हैं कि सोते समय हो सकता है आप कुछ खा लें या पी लें, तो अच्छा है कि जस्ट सोने वाले हों तब आप ब्रश करें, उसके बाद आप सो जाएं। तो ये एक हेल्दी रूटीन हो सकती है। उसी समय फिर जो गम मसाज की हमने बात की, तो वो आप करेंगे ही सोते समय। और इसके साथ साथ अगर हो सकता है, अच्छे से आपको मेंटेन रखना है, तो हफ्ते में 2 से 4 बार वार्म सलाइन गार्गल आपको ज़रूर करना है। समय निकाल के गुनगुने नमक वाले पानी से कुल्ले आपको करने हैं, तो जो आपके गम्स की प्रॉब्लम है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक रहेगी, और अगर नहीं है तो आगे नहीं होगी। तो चलिए, ये थी हेल्दी रूटीन आपके ओरल हेल्थ के लिए, कैसे आप क्लीन रख सकते हैं। ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, गार्गल, मसाज, गम मसाज, सारा कुछ हमने समझ लिया, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऑयल पुलिंग के बारे में आप पूछते थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कब कर सकते हैं। तो चलिए, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, किसी वीडियो में हम उसमें बात करेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है आपकी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।